is reference point c self Betty. Yeah, baithi जनरली अगर अटेंशन चक्रव्यू के अंदर फंसा हुआ है तो अपना रेफरेंस पॉइंट बहुत साइलेंटली चुपके से संकल्प उससे बनी हुई स्मृति होती है आत्मा को अपना टेंशन जो कि उसकी सबसे बड़ी पावर है परमात्मा के ऊपर अगर वो अटेंशन है तो से जो चीज जैसी है वैसी ही दिखेगी सत्य सत्य ही लगेगा और झूठ झूठ लगेगा पापा के साथ क्लियरली महसूस भी होता है और दिखता भी है कि बोलती हुई चलती हुई सोचती हुई ये गुड़िया मैं नहीं हूं आत्मा का नेचर साइलेंस है मैं आत्मा वर्ल्ड ऑफ वो दुनिया सेंसेस की दुनिया में नहीं हूँ मन की दुनिया में नहीं हूँ मैं बहुत सूक्ष्म एक प्योर लिविंग एक्जिस्टेंस हूँ जिसकी अपनी कोई इच्छाएं है ही नहीं इच्छा क्या होती है उसकी भी अविद्या है तो जहां इच्छा नहीं उसकी अविद्या तो वहां स्वार्थ भी नहीं है स्वार्थ तो इच्छाएं और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहां भय नहीं है तो स्वार्थ इच्छाएं भय ये सब मन के रल में और सेंसेस के रल में ऐसे लगता है संकल्पों के रूप में एग्जिस्ट कर सकती है उनका भी पाठ था ढाई हजार साल पर वो सत्य नहीं है सिर्फ लोअर एनर्जी है जो आत्मा के मन में एग्जिस्ट करती है हायर एनर्जीज लोअर एनर्जीज सब एग्जिस्ट करती है मन बुद्धि में और ये हमेशा रहेंगी दोनों हायर और लोअर खेल है सिर्फ उनसे साक्षी रहने का अपने एब्सल्यूट सत्य को जानना मानना और फिर उसमें चलना ये पॉसिबल है परमात्मा के साथ उसकी दृष्टि जैसे नाम रूप और देह के भान को जलाकर खाक कर देती है भान को मतलब उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं होता उसकी ट्रू स्मृति जैसे निखर कर बाहर आती है आत्मा को दिखता है कि मैं वो वस्तु नहीं जो चलती है बोलती है सोचती है मैं सोच से भी परे हूं आत्मा मेरी अपनी कोई सोच नहीं अपना कोई शरीर नहीं अपनी कोई वस्तु नहीं बिल्कुल न्यारी ये पूरा संस्कारों का मैनिफेस्टेशन जो है आज ये मेरे अंदर है मैं इनके अंदर नहीं ये जितनी बार आत्मा बाबा के संग में देखती है बार बार कि मैं प्रत्यक्षता के अंदर नहीं पर प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष रूप में मेरे अंदर है यही है फ्रीडम इंस्टेंट फ्रीडम इस सेकंड में अभी नाम आज जो हम मुरली पढ़ रहे हैं ना वह फिफ्टीन ट्वेल्व टू थाउजेंड सिक्स की, की मुरली से कुछ पॉइंट्स लेंगे तो बाबा ने बोला है यह तो आत्मा को मालूम है ना बच्ची कि सत्युग में कोई बंधन नहीं बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है देही के संबंध से एक ही मात पिता याद रहता है तो आपने इसको कैसे समझा सत्युग में कोई बंधन नहीं वहां पर भी शरीर की द्वारा आत्मा रहती है सारे संबंधों में रहती है सब कुछ हाँ सारे रोल्स रिलेशनशिप्स हैं, पर वहां कोई बंधन नहीं तो वो अभी देखना होगा ना तो कैसे होगा वहां पर कोई बंधन नहीं है बाप को बुलाते हैं कि हम बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहती हैं, तो अभी क्या होता है जो वहां पर कोई बंधन नहीं है अभी भी है बंधन कोई हम्म नहीं है पक्का कोई बंधन नहीं है वेरी गुड अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधन हो सकते हैं पर मन के अंदर आत्मा में नहीं है जिस दिन मन में आना बंद हो जाएंगे वो बंधन तो फिर शरीर की जरूरत नहीं है बंधन मन के अंदर है आत्मा में नहीं है ना तो बाबा यही कह रहे हैं कि वहां पर क्या फर्क है वहां पर भी शरीर है रिश्ते हैं आत्मा है सारे रिश्तों को निभाती भी है खुश भी रहती है बंधन में नहीं आती वहां क्या चीज नहीं है जिस वजह से वो संबंध इतने सुंदर है देह के सिमरन नहीं होते हैं हाँ और डिटैच्ड है मन नहीं है मन तो है हम्म मन नहीं ईगो माइंड मोह नहीं मैं और मेरा नहीं हम्म हम्म वहां पर मैं और मेरा नहीं स्मृति स्वरूप है वहां पर मैं और मेरा नहीं है वहां वहां नाम रूप का भान नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंटली देह तो है पर नाम रूप का भान नहीं है वहां इस वजह से वहां पे बंधन नहीं है है ना? ये रीजन है वहां पर तो यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध और जिस आत्मा ने जितना बाबा के साथ सर्व रिश्तों को यह अनुभव किया है क्योंकि क्या होता है वेयर एवर यू हैव द डीपेस्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिससे आत्मा का डीपेस्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उससे आत्मा इन्फ्लुएंस होती है, है ना तो आत्मा का जितना डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाबा से है उतना वो वहाँ ड्रामा में भी रिफ्लेक्ट होगा अगर अभी भी डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग आसपास के रिश्तों से है पर्सन ये जो भान है उसके इमोशंस थॉट्स और फीलिंग्स से है कि अभी तक वो मेरे अपने हैं और बाहर के भी जो रिश्ते हैं वो अपने लग रहे हैं तो फिर अभी तक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाहर है बाबा के साथ नहीं है हम्म तो जितना बाबा के साथ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उतना आपको पता है सब कुछ करते हुए खेलते हुए खेल को आत्मा के लिए सेंस ऑफ रियलिटी बाबा है अभी भी और जब बाबा सेंस ऑफ रियलिटी फील होगा हर पल आत्मा को क्या फील होगा कॉन्स्टेंटली उड़ रही है उड़ रही है उड़ना फील होता है पूरे दिन उड़ना फील होता है कभी कभी परसेंटेज में है हम्म नहीं ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है साथ साथ हल्कापन रहता है हम्म हम्म नहीं कभी 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 होता है कभी नहीं हम्म हम्म जब नहीं भी होता है ना गुड फॉर ऑनेस्टी और जब नहीं भी होता है ना उसको भी उस वक्त साक्षी होकर देख लें इट्स गुड टू एक्नॉलेज कि अभी भारी हो रहा है मन तो उससे भी साक्षी हो जाए है ना तब आपको एकदम भारीपन में भी फील होगा भारीपन में भी फील होगा वो वाला काम नहीं करना जो बाबा बोलते ना हाथ उठाओ तो सबके सब हाथ उठा लेते हैं फिर बाबा बोलते हैं। कि ये क्या हो रहा है सिर्फ हाथ उठाए हैं या एक्शन में अंदर से फीलिंग तो वो वाला भी नहीं होना चाहिए कि हाँ बाबा ने बोला है सब लक्ष्मी नारायण मन हाँ हाँ सब लक्ष्मी नारायण मैंने हाथ उठा लिया हुँ? और वो भी नहीं कि इसलिए ना सत्यता और ऑनेस्टी दोनों क्लियरली साथ में चाहिए सत्य में सत्यता में स्थित होकर मुझे ऑनेस्टली मन का उतार चढ़ाव दिख रहा है तो मैं एक्चुअल में फिर हाथ भी उठा रही हूं तो सत्यता से उठा रही हूं हम्म इसलिए उठा रही हूं हाथ या नहीं उठा रही हूं हाथ क्योंकि मैं कहा इतनी अच्छी इसलिए नहीं उठा रही तो वो भी ईगो और इसलिए उठा रही हूँ हाथ कि नहीं बाबा ने बोला है हाथ उठाओ तो हाथ उठा लिया <laughs> अंदर से अभी तक पहचान तो वो ही बनाई हुई है पुराने संस्कारों से से और मन की बातों से पहचान बनाई हुई है हम्म hmm? पर अच्छा नहीं लगेगा सब हाँ बोल रहा मैं अकेली ना बोल रही हूँ इसलिए मैंने नहीं उठाया इसलिए मैंने मैंने भी उठा लिया तो वो भी ठीक नहीं है <laughs> दोनों तरफ है ना तो चेकिंग अंदर से करनी होगी अपनी है ना तो बाबा बोल रहे हैं जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का संबंध कहेंगे यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे परंतु बाबा क्या सुख देते हैं या किसको पता नहीं है आपको क्या सुख दिया बाबा ने क्या सुख दिया बाबा ने आपको फ्रीडम <laughs> और अति इंद्रिय हल्का कर दिया और रियलिटी वेरी गुड रियलिटी जीवन ही बदल गया देह के बंधन से मुक्त नॉलेज सत्य ज्ञान सत्यता की पहचान दी आप साम बना दिया आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से जागृति अवेकनिंग अनएक्सपेक्टेड लव बंधन मुक्ति हम्म हाँ अभी जीवन मुक्ति इस सेकंड में इस सेकंड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेकंड में मुझे मुक्ति है जीवन मुक्ति ये बाबा ने दिया है ना फ्यूचर में नहीं अभी इस मोमेंट में मिल रहा है मुझे ये है सबसे बड़ा गिफ्ट गिफ्ट ऑफ नाउ गिफ्ट ऑफ लिबरेशन इन लाइफ इन दिस मोमेंट ये बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट है फिर जैसे ही वो इन दिस मोमेंट वो मोमेंट ऑफ नाउ में जीवन मुक्ति फील होगी इसमें सारी खुशबू आएगी प्यार की शांति की पावर की सारी खुशबू निकलेगी उस मोमेंट में से है ना ये है बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट है ना तो बाबा बोल रहे हैं कि उनके लिए बाबा के लिए गाया जाता है त्वेव तो माताश्च पिता सखा रूप से हल्के रूप में आकर बद बहलाते हैं मुख्य है ही तीन संबंध बाप टीचर और गुरु तो बाबा से संबंध रखने के लिए कल बाबा ने क्या बताया था देखो बाबा कैसे सारे पार्ट्स प्ले कर रहा है अभी संगम युग में ऐसा नहीं कि वो रोल प्ले नहीं कर रहा है कर रहा है ना सारे रोल्स प्ले फादर मदर टीचर गुरु फ्रेंड सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं बिलावेड सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं फिर वो कैसे करता है रोल प्ले बाबा कैसे रोल प्ले कर लेता है वो तो बॉडी बॉडी लेस है तो क्या है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब कुछ रोल प्ले करते हुए वो क्या करता है कल आंसर दिया था बाबा ने मुरली में आपके लिए परसों की नहीं आपके लिए भी कल की मुरली है वो क्या स्पेशलिटी है बाबा की आत्मा देखता न्यारा और प्यारा न्यारा रूहानियत से हाँ कल बाबा ने क्या बोला था याद है किसी को अच्छा मैं हिंट देती हूँ ब्लेसिंग में बोला था बहुत बड़ा हिंट रही है <laughs> हाँ आई थिंक डिटी ही अनम्यूट नहीं हो रहा जीरो और हीरो वो जीरो है प्ले करते हुए वो जीरो है इंस्ट्रक्शन भी देता है कभी कभी स्ट्रिक्टली भी बोलता है कभी कभी डांट भी मार देता है हम्म है ना डांट खाइए बाबा से कभी मुरली में खाइए ना डांट खाइए डांट बाबा से बिल्कुल डांट भी मार देता है स्ट्रिक्टली भी बोलता है फिर बहुत प्यार से भी बोलता है सारे रिश्ते निभाता है वो और फिर भी उसके डांट में भी प्यारी महसूस होता है हम्म? उसकी स्ट्रिक्टनेस में भी ऐसे लगता है कि नहीं बस हाँ ये राइट right है वो रिबेलियसनेस की फीलिंग नहीं आती उसकी स्ट्रिक्टनेस में, आती है नहीं ना <laughs> क्योंकि वो बहुत केयरिंग फीलिंग आती है उसकी स्ट्रिक्टनेस में क्यों सारे रोल्स प्ले कर रहा है वो भी हम ये नहीं बोल सकते भगवान तो को, कोई रोल तो प्ले करना नहीं है बाबा को सब कुछ तो कर रहा है फिर भी इतना प्यार क्यों ओम शांति इतना प्यार क्यों ओम शांति ओके okay, और है ना तो कितना महसूस होता है

क्यों नहीं खुद आके सैंपल बना है और एक नहीं उसके कितने बच्चे आठ बिलियन बच्चे हाँ उससे कुछ बात सुनते कुछ जानना भी नहीं चाहते उसको कुछ उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते जानने के बाद भी हाँ सब तरह तरह के बच्चे हैं उसके पास कुछ बहुत लायक हैं मतलब बहुत उसकी बात मानते हैं बहुत ओबीडियंट फरमान बरदार वफादार हैं और कुछ बिल्कुल डॉट 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 हम्म पर वो कभी भी उसका प्यार कम ज्यादा हो रहा है नेवर वो सब सिखा रहा है हमें कि बच्ची ऐसे खेल खेला जाता है जीरो में रहकर सारे रोल्स प्ले करो बट जीरो रहो तुम मेरे साथ रहो जीरो रहो और कैसे जीरो रहेंगे सारे रिश्ते उसके साथ बनाकर मतलब महसूस करके तो ही जीरो रह सकती आत्मा नहीं तो जीरो हो नहीं सकती और सब उसी के बच्चे सारी आत्माएं उसके बच्चे तब पॉसिबल है तब ये इल्यूजन खत्म होगा नहीं तो ये तो बहुत जकड़ पकड़ के रखा है हुँ? दस दिन अच्छे जाएंगे ग्यारहवा दिन वापस वो इल्यूजन रियल लगेगा हुँ? ऐसे होगा पर आप साक्षी जब दिन में जब दस दिन इल्यूजन नहीं भी है ज्यादा खुश नहीं होना और ग्यारहवें दिन ज्यादा इल्यूजन आ भी गया ज्यादा दुखी भी नहीं होना दोनों को साक्षी ये भी खेर का पार्ट है कभी ऊपर होगा मन कभी नीचे होगा मन सब कुछ होगा आप चेंजलेस हैं बस इतना याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पिरिचुअल जर्नी में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कौन सदैव सुखी रह सकता है जो मन के उतार चढ़ाव में नहीं फंसेगा और दिन में हर पल उतार चढ़ाव हो रहा है हुँ? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं देख के बंधन को और अपने चेंजलेस स्थिति को जो पहचानता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरे अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है बच्ची अभी बाप तुझ बच्ची को देवी मत देते हैं जिससे तू सदैव हर्षित रहती है तेरे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ प्रवेश कर अपनी बन्नी भी बनाया तो देखो ब्रह्मा बाबा कैसे सारे रिश्ते अनुभव करे पति भी पिता भी बच्चा भी पत्नी भी सब कुछ अनुभव कर रहे हैं वो हम्म इल्यूजन मतलब भ्रम हाँ जी है ना तो ये बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते तो बेहद का झाड़ किससे बना हुआ है बेहद का झाड़ जब बाबा बोल रहे हैं तो आप इसको क्या देख रहे हैं बेहद का झाड़ क्या है बेहद का झाड़ जब बाबा बोल रहे हैं बेहद का झाड़ कैसे पैदा होता है या तो कोई झट पतला सकता है बीज का झाड़ पर बेहद के झाड़ का ज्ञान फीलिंग्स थॉट्स और और परमधाम में सारी आत्माएं संकल्प और संस्कारों का झाड़ स्टोरी दो झाड़ होते हैं ना दो तरह के झाड़ हैं एक्चुअली में तीन तरह का एक है जड़ झाड़ जो कि ये बाहर की झाड़ एक है झाड़ जो कि हर आत्मा के अंदर का एक झाड़ हर आत्मा के अंदर एक झाड़ एक है तीसरा झाड़ वो झाड़ है मैं आत्मा मेरे अंदर का झाड़ आपका झाड़ आपका झाड़ ऐसे आठ बिलियन आत्माओं का झाड़ मिलकर एक झाड़ बना है ये तीनों झाड़ है है ना तो मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ तो पहले अपने अंदर के झाड़ से भी साक्षी तो बाहर के झाड़ से भी साक्षी तो बहुत इजी तरीका है सबसे हम जब मिलते हैं ना तो तो पहले आपका तो जो किसी का भी पाठ हम देखते हैं किसी से भी हम मिलते हैं तो आपका क्या एक तरीका है झाड़ की एनालॉजी को यूज करने का जिससे कि आपको एकदम से क्लियरली महसूस होता है कि आप बिल्कुल बाहर हैं झाड़ की बातों से हाँ कल्प वृक्ष भी है कल्प वृक्ष भी बोलते हैं उसको कैसे पता चलता है आपको के नहीं समझा क्वेश्चन नहीं समझा अच्छा झाड़ की एनालॉजी आपको डे टू डे लाइफ में कैसे मदद करती है लाइफलेस स्क्रिप्ट इज प्लेइंग आउट आहा अनादि स्थिति में सारी बातें हैं आहा पार्ट पाठ आत्मा अलग स्मृति आहा पर चिंतन पर दर्शन नहीं हम्म आप सबने किसी ने देखा है कभी बीज जैसे बाबा के पास बैठे हैं सब और सबके झाड़ जैसे नीचे लटके हुए हैं देखा है कभी ऐसे बहुत इजी हो जाता है बीज सब बाबा के पास बैठे हैं अभी भी हम सब बीज बाबा के पास बैठे हैं बाकी सबके झाड़ यहां लटके हुए हैं जो सामने बैठे हैं और जिन्होंने भी अपने अपने कैमराज ऑन किए ना वुड लाइक टू से थैंक यू टू दैम हम्म हेल्पफुल जो कैमराज ऑन करते ना तो इट्स एन इंटरक्टिव सेशन और कैमराज ऑन नहीं करते हैं ना तो वो ये वाली बात हो जाती है ब्लॉक से बात कर रही हैं आत्मा आत्मा है पर एक बहुत बाबा ने क्यों हमें यज्ञ में साथ में लाया है घूंघट के पीछे बैठने के लिए सेंटर पे जाना क्यों जरूरी होता है सब घूंघट लगा के सेंटर में जाए एक साथ तो क्या मजा आएगा खेल खेलने आए ना साथ में या नहीं आए साथ में खेलने हम्म खेल खेलने आए ना साथ में सृष्टि चक्र में क्यों आए शरीर क्यों पहना है क्यों पहना है शरीर फिर तो हम परम धाम में ही ठीक थे आने की जरूरत नहीं है यहाँ खेल खेलने के लिए है ना आई अंडरस्टैंड कभी कभी कोई रीजन होता है किसी का वीडियो ऑफ करने का आई पर जो कर सकते हैं अच्छी बात है इंटरेक्शन hmm? रहता है तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं बिल्कुल ही हद में आ गए हैं भूलना भी जरूर है तभी फिर आकर समझाता हूं ना तो देखो बाबा कैसे डे और नाइट को अप्रूवल दे रहा है दे रहा है ना अप्रूवल भूलना मतलब लोअर कॉन्शियसनेस लोअर फीलिंग्स लोअर थॉट्स लोअर एवरीथिंग है ना सब कुछ लोअर बाबा अप्रूव कर रहा है लोअर भी होना जरूरी है तो बाबा की अप्रूवल मिल गई ना लोअर हायर दोनों की क्यों क्योंकि आपको वो आपके एपसल्यूट ट्रुथ में दे रहा है देख रहा है बिल्कुल साक्षी देख रहा है वो आपको बिल्कुल अलग देख रहा है वो आपको और क्योंकि वो आपको एकदम एप्सल्यूट में देख रहा है तो आपको डुअलिटी से मिक्स नहीं कर रहा है तो आप भी बाबा के साथ हो तो डुअलिटी से मिक्स नहीं करना जब मेरा अटेंशन बाबा की तरफ होगा ना तो ये ट्रूथ होगा मुझे अपनी ये रियालिटी बहुत क्लियर दिखेगी और नहीं तो अटेंशन सारा कहाँ है आत्मा का फीलर थिंकर डूअर जजर उसमें है इसमें सारा अटेंशन है आत्मा वही है देखो आत्मा सेम चेंजलेस है पर उसका अटेंशन जो है वो है इस माइंड के अंदर के इमोशंस थॉट्स फीलिंग्स उसके ऊपर और वो इतने अपने लगते हैं इतने इंटिमेट लगते हैं वो अपने लगते हैं ऐसे लगता है कि यही मेरा ट्रूथ है इसी का टेस्ट उसको रियल लगता है ये इमोशंस ये फीलिंग्स ही रियल लग रहे हैं। सिर्फ अटेंशन यहां पर है ये लाइट देख रहे हैं ये आत्मा वो ही है अटेंशन यहाँ है और नहीं तो अटेंशन यहाँ है आत्मा अभी भी वो ही है अटेंशन या तो बाबा पर है और या फिर माइंड पर है और जब बाबा पर है तो क्या होगा आत्मा का सिर्फ अटेंशन का खेल है आत्मा तो एक ही जगह है तो ये रियलिटी लगेगी और फिर बाबा के साथ माइंड को भी देख पाएगी और फिजिकल वर्ल्ड को भी देख पाएगी है ना माइंड को भी देख पाएगी बाबा के साथ बैठकर और फिजिकल वर्ल्ड को भी देख पाएगी फंसेगी नहीं किसी में भी कुछ करना नहीं है कुछ भी बदलना नहीं है माइंड के अंदर अपने आप ये चेंज होता रहता है लेट गो अपने आप ही होता जाता है लेट गो करने वाला भी कौन ये आइडेंटिटी मुझे बहुत लेट गो करना है मुझे बहुत हटाना है मिटाना है ये ये आइडेंटिटी करती है जो आत्मा का अटेंशन बाबा की तरफ है ना

आत्मा ने बाबा की तरफ अटेंशन शाइन किया ऑल दो दिख रहा था ये भी क्योंकि बाबा के साथ सब कुछ दिखता है ना तो वो थॉट दिखा असंतुष्टता का थॉट दिखा तो आत्मा ने बाबा के साथ देखा ये थिंकर पैदा हुआ है बाबा और थिंकर के साथ अटैच एक फीलर भी दिख रहा है असंतुष्टता का फीलिंग भी फील हो रही है उसके साथ एक अनुभव भी आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है मन को बिल्कुल भी वो एक इमेज बनी हुई है एक्सपीरियंसर की एक इमेज बनी हुई है कोई एक्शन हुआ था खराब नहीं हुआ एक्शन में कुछ बस वो मन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उस एक्शन से कुछ भी उल्टा पुलटा भी नहीं हुआ बाहर पर बस मन सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मन के अनुसार वो नहीं हुआ वो एक्शन है ना मन ने जो जैसे डिजाइन किया था ना उस डिजाइन उस के अनुसार वो एक्शन नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा असंतुष्टता का भान पहले थिंकर पैदा हुआ फिर फीलर पैदा हुआ फिर एक्सपीरियंसर जजर पैदा हुआ फिर जजर के साथ वो एक्सपीरियंसर भी पैदा हो गया फिर वो एक्सपीरियंस जब पैदा हो गया तो फीलिंग बड़ी अच्छी अच्छी नहीं आ रही थी बॉडी माइंड में बिल्कुल भी पांच मिनट के लिए बिल्कुल ऊपर नीचे की फीलिंग थी पांच दस मिनट है ना तो ये जब पैदा हुआ आत्मा सब कुछ देख रही है बाबा के साथ थिंकर फीलर एक्सपीरियंसर और मैं देख रही हूं मैं आत्मा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है पर वो सफरिंग भी हल्की हल्की कहीं ना कहीं है क्योंकि वो भारीपन सफरिंग है ना भारीपन वो सफरिंग भी फील हो रही है माइंड बॉडी में पर आत्मा बिल्कुल माइंडलेस हूँ थॉटलेस हूँ माइंडलेस ही हूँ और बॉडीलेस ही हूं तो फिर मैं कौन माइंडलेस बॉडीलेस हूं तो मैं कौन हम्म मैं कौन मैं कौन मैं ये सब हूं ये तो सब बॉडी माइंड का खेल है मैं तो बिल्कुल ही अलग हूं तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको क्लियर हुआ कि आएंगे અંદર ફીલિંગ્સ થોટ્સ સફરિંગ سارے એક એક આઈટ સેલ્ફ ઈમેજ બનાવી દી હે થોટ્સ ને એક ઈમેજ પેઇન્ટ કી ઓર ઉસકોリアલિટી કા સ્ટેમ્પ લગા દિયા હેના તો યે આયેંગે દિન મેં કઈ બાર યે સબ ચીજે આયેંગે પર અપને આપકો ઉસકે વ્યૂ કે થ્રુ નહીં દેખના ઉસકે વ્યૂ કે થ્રુ દેખા ના હમને દુનિયા કો ઇસકે વ્યૂ કે થ્રુ દેખા ના યે મેરા સેન્સ ઓફ સેલ્ફ હો ગયા और इसके थ्रू मैंने देखा तो मैं ये बन जाऊंगी मन के अंदर ये एक जाल में फंसी हुई पर्सन आइडेंटिटी बन जाऊंगी यहां पर है ना तो हमारा एफर्ट इसको चेंज करने का ही नहीं है हमारा एफर्ट इसको बिल्कुल छोड़ दें बाबा ने बोला ना ये दिन और रात तो तुम्हारे अंदर जब तक रात नहीं आएगी तो मैं कहां से आऊंगा तो ये रात तो आएगी ही आप रात को क्या करते हो निश्चिंत हो जाते हो ना फिर सुबह भोर में उठते हो डॉन में उठते हो ना एकदम फ्रेश या बहुत ऐसे 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 उठते हो हम्म कैसे उठते हो हु? हम्म हुँ? जब बाबा उठा रहे है ना अगर ऐसे ऐसे फीलिंग भी आ रही है ना अरे अभी चार बज गए थी जल्दी <laughs> ऐसे फीलिंग आ भी रही है ना कोई बात नहीं उस फीलिंग को भी साक्षी होके देख लो <laughs> वो भी बस माई माइंड बॉडी की ही फीलिंग है उसको भी साक्षी होके देख लो वो भी आपका ट्रुथ नहीं है।, है वो आपका ट्रुथ नहीं है वो आपका ट्रुथ मैं आत्मा फ्रेश बॉडी माइंड टायर्ड कोई बात नहीं तो एकदम से आपको फ्रेशनेस आ जाएगी आपकी स्थिति तो ना चेंज हुई है ना होने वाली है। जब रात को सो भी गए थे तो भी आप वही थे और जब उठे हो तो भी, भी आप वही हो थोड़ी मुश्किल भी हो रही उठने में तो भी आप वही हो और फ्रेश हो जाओगे उठने के बाद थोड़ी देर बाद तो भी आप वही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तो ये जो है ना तो किसी ने ना बोला इसको कि पर मैं बहुत ऐसा फील कर रही हूं मैंने कहा ये मैं हटा दो फिर देखो आप कौन हो मैं हटा दो उसकी फीलिंग के सामने से ये शब्द मैं हटा दो तो उन्होंने बोला फीलिंग आ रही है मैंने कहा चेंज हो गया ना सब कुछ अपने आप ही चेंज हो गया मैं हटाते ही है ना सेंटेंस का फ्रेम भी चेंज हो गया उनकी फीलिंग भी चेंज हो गई बस वो मैं हटा दिया उसके आगे से उन्होंने बोला मुझे वो ऐसे बोलते हैं मैं कैसे सहन करूं ऐसे कितनी बार सहन करूं मैं अच्छा मैं हटा देते हैं तो बोले तो फिर मैं कैसे बोलूंगी मैंने कहा वो वैसे ही बोलते हैं बस वो भाषा होती है वो मैं हटा दो फिर भाषा ठीक हो जाएगी सारी सारी ठीक हो जाएगी भाषा There's nothing नथिंग रॉन्ग these feelings फीलिंग्स कुछ गलत नहीं है ये हमारा लोअर नेचर है और होना भी चाहिए अगर ये नहीं है तो आपको अपने पावर का पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर एप्सल्यूट स्थिति का पावर कितना है अच्छी बुरी स्थिति का पावर नहीं एप्सल्यूट स्थिति के पावर के लिए आपको अच्छा बुरा दोनों का सामने चाहिए मन का खेल नहीं तो आपको अपनी स्थिति अनुभव नहीं होगी और संगम योगी एक ऐसा टाइम है जब आपको डुअलिटी से परे होकर अपनी एप्सल्यूट स्थिति का अनुभव करना है तो कैसे हम आप अनुभव करेंगे एप्सोल्यूट स्थिति का अगर ऑपोजिट्स नहीं आएंगे आपके सामने गुड और बैड के सिर्फ गुडी गुड आता रहेगा बैड आएगा ही नहीं तो आपको अपनी एप्सल्युट स्थिति का कैसे अनुभव होगा होगा नहीं होगा ही नहीं तो फिर आप सत्यु कैसे जाओगी खेल खेलने वहां पर जा ही नहीं पाओगी <laughs> जा ही नहीं पाओगी इसलिए बिल्कुल हटाने की मेहनत नहीं करना इस दुखी दुखड़े मन को जो बहुत सोचता है या जो बहुत तंग आ चुका है संकल्पों से संकल्प ये संकल्प इस संकल्प से तंग आ चुका है देखो कैसा कैसा चेहरे पर भी आके वो एक इमेज बन जाती है कितने तरह तरह के इमोशंस हैं इसमें दिख रहे हैं ना सब आएंगे ऊपर नीचे तो आना जरूरी है इसको जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो दलदल में भी फंसा हुआ होगा ना उसको दिखेगा ये दलदल में भी जो फंसा हुआ ये मैं नहीं हूं तो बाबा के पास बैठी हूं ये जो दलदल में फंसा हुआ रीनी भान है ना होगा कुछ बाबा के साथ माइंडलेस बॉडीलेस एकदम साक्षी तब मैं अपने एब्सल्यूट स्थिति का अनुभव कर रही हूं एब्सुल्यूट स्थिति इज द हाईएस्ट स्टेज पॉजिटिव नेगेटिव तो रिलेटिव है पर्सन है इसलिए जब कोई बोलता है ना अगर कोई हमारे को तो बस पॉजिटिव ही आते हैं नेगेटिव नहीं आते तो उन्होंने समझा ही नहीं है ज्ञान या हमारे को नेगेटिव ही आते हैं पॉजिटिव नहीं आते तो उन्होंने भी ज्ञान नहीं समझा दोनों ने नहीं समझा है एपसल्यूट ये है ब्यूटी संगम योग्य लिए? किसी को क्वेश्चन है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये है सार संगम युग का इसलिए इसपे अगर किसी को क्वेश्चन है या कुछ है तो जरूर बोले हाँ जी विवेक अनम्यूट है या, ओम शांति दीदी जी आवाज आ रही है जी ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी अनादि स्वरूप के प्रैक्टिस में जो संकल्प मुझे सबसे ज्यादा ट्रैप करता है वो ये कॉन्शियस की मुझे संगमयुक्त पे मैक्सिमम भाग्य क्रिएट करना है तो कोई एक्शन इस प्रकार का दिख जाता है जिससे मैं डिटेच नहीं हो पाता वो यही एक संकल्प रहता है कि इस पे भाग्य जी, जी, जी. तो, तो, पे बोला टाइम है जिसपे मैं मैक्सिमाइज अपनी आ, पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर अपने मतलब फुल पोटेंशियल को जी सकता हूँ दीदी यही एक ऐसा समय है तो उसमें कोई भी ऐसा सीन मुझे से ऐसा हो जाता है तो वो ये संकल्प ट्रैप कर लेता है फिर थोड़े समय में मैं डिटैच हो जाता हूँ तो उसका बाबा पता लग जाता है कि ये राज है इसका ड्रामा में हाँ जी मैं आपको एक कहानी बताती कहानी नहीं रियलिटी दादी गुलजार की मदर है ना मदर ऑलराउंडर दादी ऑलराउंडर हाँ जी तो जो नए आए ना उनके लिए बहुत सुंदर अनुभव से आपको क्लियर हो जाएगा रियल सोल कॉन्शियसनेस क्या है जिसमें आप अपने पार्ट के जो एक्शन है उससे भी डिटैच हो जाएंगे वो है रियल संगम युग का रियल पुरुषार्थ और रियल कमाई हुँ? दादी ऑलराउंडर आशा दीदी दादी गुलजार सब बैठे थे उस वक्त एक ग्रुप में और एक भाई आए सामने से कुछ करते हुए एक भाई जा रहे थे कुछ करा होगा उन्होंने या कुछ ऐसी बात हुई होगी इसको बात नहीं पता है फिर दादी ऑलराउंडर को एकदम से गुस्सा आ गया हम्म और फिर वो उन्होंने कुछ बोला गुस्से में तो थोड़ी पांच मिनट हुए होंगे वो अपने कमरे में गई आशा दीदी उनके पीछे पीछे गई तो उन्होंने आशा दीदी थी या कौन सी दीदी थी मुझे ध्यान नहीं एकदम तो कोई दीदी थी वो उनके पीछे पीछे गई उन्होंने बोला दादी ऑलराउंडर को कि आ, आपको गुस्सा आया अभी हाँ उन्होंने पता है क्या बोला तुमको अभी तक वो याद है सीन वो तो मेरे लिए कभी का पास्ट हो चुका <laughs> हो चुका पास्ट फिनिश्ड वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो पास्ट में जिसको उन्होंने दादी ऑलराउंडर देख रही है जिन्होंने वो दीदी ने वो पकड़ के रखा हुआ है कि वो उन्होंने किया था पांच मिनट आत्मा जो दादी ऑलराउंडर के पीछे थी उनके लिए वो पास्ट पर्सन आइडेंटिटी वो है ही नहीं वो तो इस मोमेंट में वो आत्मा ही है टाइमलेस वो पास की पांच मिनट की कहानी भी उनकी नहीं है इसमें मायामन बोलेगा अच्छा फिर तो हम केयरलेस हो जाएंगे बोलता है माया मन? जी। नहीं रहेगी नहीं रहेगी सिंसियरिटी को समझने के ये बहुत एक सुंदर तरीका है सिंसियरिटी सबसे पहले और ये अपना भी आपको एक अनुभव बताएगी जो इसने शुरू शुरू में किसी के साथ नए नए स्टूडेंट्स के साथ जब तीन चार महीने पहले शेयर किया था ये जब ज्ञान में आई थी ना तो सिंसियरिटी कैसे होती इसे पता चल ये ज्ञान में आई थी और तीन साल चार साल हुए थे हाँ, चार साल हो गए थे ज्ञान में और ये न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया मूव हुई थी और ऑफिस में किसी ऑफिस में जाती थी ज्ञान सिखाने बाबा का तो वहां पे सब वैरायटी के आ, वो थे Christians और सारे मैक्सिकन uh, और सब तरह तरह के स्टूडेंट्स थे तो एक स्टूडेंट ने कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बोला होगा तो इसको पता नहीं क्या हुआ उस सेकंड में एक सेकंड में जैसे एक वेरी ऑड कोई अंदर से फीलिंग भी नहीं थी पर वो एक्ट में होना था इसलिए हुआ वो एक गुस्सा आया और कुछ बोल दिया इसने उनको गुस्से में हुँ? उस वक्त दो सेंटेंसेस बोले थे ऑफिस से निकली अब अंदर चालू हुआ मन का द्वंद मन का द्वंद चालू हुआ मन के अंदर आया बाबा की तूने बहुत डिससर्विस कर दी आज तो अब पता नहीं सामने वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे वापस। तूने इतनी डिसर्विस कर ली बाबा की देख हो सकता है अब तेरी वजह से आए भी नहीं फिर दूसरा संस्कार जो अच्छा वाला जो पॉजिटिव वाला होता है ना माइंड में उसने बोला नहीं बाबा ने बोला है अपने ऊपर दया कर पहले अपने आप को प्यार कर कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो गया तो अब मैं इन दोनों का देख रही हूँ द्वंद अंदर मन के अंदर ये दो हफ्ते चला द्वंद हाँ ये मन के अंदर मैं आत्मा बिल्कुल एप्सल्यूट स्थिति में रहकर इस द्वंद को देख रही हूँ बिल्कुल बाबा के साथ एक बबल में जैसे कि मेरा सत्य टच नहीं हो रहा है और न ये कभी सत्य चेंज होगा अब एक गुड और बैड आपस में लड़ रहे हैं गुड बार, बार बार बैड को शांत करने की कोशिश कर रहा है बैड बार बार बोल है नहीं तूने तो सबसे बड़ी डिस कर दी एक हफ्ते बाद गई मैं वहां कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं आया क्लास अब और डबल द्वंद चालू हुआ <laughs> देख तेरी वजह से आज तो कोई भी नहीं आया वापस। <laughs> हम्म, आत्मा ने अपने आप को बिल्कुल हिलने नहीं दिया बिल्कुल हिलने नहीं दिया। ना मेरी वजह से कोई ज्ञान बाबा ने इसको बोला ना तेरी वजह से ज्ञान में कोई आया है और ना तेरी वजह से ज्ञान कोई छोड़कर जाएगा तू भी एंजेलिक वो भी एंजेलिक जो इटर्नल सत्य है क्या वो बदला तेरे रिश्तों का नहीं बदला ना बच्ची तेरा ध्यान सत्य पर है कि ड्रामा में जो हुआ उस पर है है इतनी क्लियर टचिंग मिली कि ये तेरा ध्यान कहां है? तुझ आत्मा का अटेंशन कहां पे स्टोरी जो कि ऑलरेडी तो कौन उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कौन इस पर्सन आइडेंटिटी को कंटिन्यू रख रहा है तेरे ही संकल्प जिससे तू पानी दे रही है बार बार तू आत्मा अपना अटेंशन क्यों दे रही है उन संकल्पों को मत दे उनको अटेंशन अपना दोनों को ही अटेंशन मत दे ये जो ध्वंद चल रहा है ना मन में और कुछ नहीं है ये सिर्फ कहानी माया माइंड के ईगो को परपेचुएट करने का तरीका है क्योंकि वो सीन तो ऑलरेडी सिर्फ तेरी मेमोरी के अलावा और कहीं नहीं है तू अगर अपनी मेमोरी को पानी दे रही है तो उनको भी वही पहुंचने वाला है वो वही वो रिसीव करेंगे अब वो तेरे बारे में सोचेंगे तो तेरे मन से कनेक्ट होंगे तो तेरे मन में तो तू घुसी भी पड़ी है ना तू अपने मन मन में फंसी पड़ी तूने अपने मन को पूरा पावर दिया हुआ है तब उनका जो अटेंशन है तेरे मन के अंदर की जो भावना से तूने जिसको पानी दिया वो उस भावना से कनेक्ट होंगे तो तू इस मन को पानी मत दे तू सिर्फ अपने सत्य को देख और उनके सत्य को देख सत्य क्या है चाहे वो आए चाहे नहीं आए ये मन का डर है मन का ईगो का सेटिस्फेक्शन के लिए है तू सिर्फ ये देख सत्य क्या है तुम रिश्ता तुम्हारा जो इटर्नली सत्य है अनादि स्वरूप का रिश्ता उस पे पानी डाल उसके अलावा और किसी चीज पे पानी नहीं डालना है तो इसने एक हफ्ता पूरा सिर्फ उस पर बार बार आता था ये द्वंद सामने पर मेरा अटेंशन मेरे एब्सोल्यूट ट्रुथ और एब्सोल्यूट रिलेशनशिप्स पर और जो बाबा देख रहा है उस पर अंदर हफ्ता भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे मन ऐसे खेल खेल रहा है और मैं साक्षी तो दो हफ्ता ऐसे चला दूसरे हफ्ते सारे के सारे वापस आ गए हम्म पर उसमें भी ये चेकिंग कि कहीं खुशी तो नहीं हो गई कि देखो मैंने ऐसा किया इसलिए वो आ गए सारे खुशी तो नहीं हुई वो भी चेक किया तो मतलब ये पता चला कि ये सब कुछ खेल अलग मैं अलग मैं आत्मा बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं अपने पार्ट से भी अपने एक्ट से भी अपनी सोच से भी मन के अपने मन के पॉजिटिव नेगेटिव से भी मैं एक एब्सल्यूट ट्रूथ और ये मेरा पावर है ये मेरा पावर है ना तो इससे क्लियर हो गया कि चाहे ड्रामा में भी कुछ एक्शन हो भी जाए पर हमारा जो सत्य स्वरूप है रिश्तों का वो चेंज नहीं हो रहा है उसको पानी देना है एक्शन में कुछ आ भी गया तो उसके बाद इसने ये देखा एक्शन में वो फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगी अपने आप कुछ किया नहीं मैंने मेहनत नहीं की मैंने सिर्फ अपने ट्रुथ पे लाइट शाइन की और ट्रू रिलेशनशिप्स पे बाबा के साथ और मन ने जितने भी ध्वंद उनको पानी नहीं दिया चल रहे थे बॉडी में भी फील हो रहे हैं सब कुछ थ्री मूवी चल रही है बच्ची ध्यान नहीं देना थ्री मूवी का इफेक्ट है ध्यान नहीं देना हो गया ना कोई बात नहीं फुल स्टॉप वहीं पे स्टॉप मतलब ये एप्सोल्यूट ट्रूथ में आपका एप्सोल्यूट ट्रूथ मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता जो कल बताया था ना कि ब्रह्मा के उस परफेक्ट रूप को कोई टच नहीं कर सकता बाबा ने मुरली में कल बोला था ना कि ब्रह्मा के परफेक्ट ट्रूथ को कोई टच नहीं कर सकता उसके परफेक्ट ट्रूथ को पुरुषार्थी के साथ मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा बोलेंगे ये तो क्राइम कर लिया अब क्या पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुए होंगे कुछ ऐसे एक्शंस हुए थे ना कभी कुछ बोलने में आ गया कभी कभी मुरली में दिखता है हमें वो बोलते हैं ये बच्चा नालायक तो है।, <laughs> है ये बच्चा लायक है कभी शिव बाबा की तो भाषा नहीं है ये किसकी भाषा है ये पुरुषार्थी ब्रह्मा की भाषा है पर वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी होता है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा बाबा जो आत्मा थी वो भी पुरुषार्थ कर रही थी तब उनमें भी ऊपर नीचे था शब्दों में भी पर कभी उन्होंने मिक्स नहीं किया अपने परफेक्ट फॉर्म को उन शब्दों से ये क्लियर हुआ सबको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये पर ये क्लियर हुआ सबको अपने परफेक्ट फॉर्म अपने को कभी मिक्स नहीं होने देना डुअलिटी से चाहे एक्शन में भी आ जाए डुअलिटी नो प्रॉब्लम जब आ जाए क्या करना है उस वक्त ये ध्यान रखना अपने सत्य में स्थित हो जाओ आपका ट्रूथ नहीं बदला है क्योंकि एक्शन में कुछ आ भी गया है शब्दों में है ना यूथ हैज नॉट चेंज्ड इसको बाबा ने आज जो मुरली पढ़ने वाले थे ना वो है स्मृति स्वरूप की मुरली तो ये स्मृति स्वरूप है ना ये स्मृति स्वरूप है अच्छी अच्छी रिनी तो मैं रख लू बुरी बुरी रिनी हटा दू वो प्रैक्टिस नहीं है कीप गुड रिनी आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ बैड रिनी आई खांड बैड रिनी एंड गुड रिनी आर पार्ट ऑफ द सोल्स एक्ट इन द ड्रामा पर जितना आपका एप्सल्यूट ट्रुथ होगा उतना एक्शन अपने आप कम हो जाएगा अपने आप एक्शन में आना बंद हो जाता है मेहनत नहीं करनी पड़ती है बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती एक्शन पांच दस से जब पांच बार भी हो रहा है तो वो पांच बार में शक्ति चाहिए एप्सल्यूट में आने की बार बार एप्सल्यूट में रहकर उन पांच को देखने की तो पांच का तीन भी हो जाएगा तो वो तीन बार भी जब आप देख रहे हैं वो फिर भी आप एप्सल्यूट है वो शक्ति है अभी इस आत्मा की राइट right नाम संगम युग में बिल्कुल गुड और बैड तो इस आत्मा के टू साइड ऑफ द कॉइन है पार्ट में मैं गुड पर्सन को नहीं रख सकती और बैड को हटा नहीं सकती तो फिर तो वो पर्सन आइडेंटिटी ही सारा पुरुषार्थ कर रही है संकल्प ही अभी तक पुरुषार्थ कर रहे हैं संकल्प का स्वरूप बन के एक ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है टू तो बी अ गुड पर्सन और दूसरों का अप्रूवल दूसरे ब्राह्मणों का अप्रूवल चाहिए ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है हमारे लिए है ना वो क्या सोचेंगे तो हम दबाते हैं अंदर भर जाते हैं एक्चुअल में संगम युग का पुरुषार्थ है एप्सल्यूटनेस का पुरुषार्थ गुड और बैड का पुरुषार्थ नहीं है है ना तो ये जिस दिन हम समझ गए ना तो हम अपने मन बुद्धि और कर्म में जो आ भी गए मान लीजिए हमारा पूरा ध्यान अपने अंतर्मुखता में अपने एप्सोल्यूट ट्रूथ में रहकर मन के ऊपर नीचे डुअलिटी को देखने का हो जाएगा ब्लेमलेस गेम ब्लेमलेस किसी की कोई गलती नहीं है बाहर मुझे आत्मा का ही मन ऊपर नीचे होता है तो बस मैं अपने मन से साक्षी रहू हर सीन में बस इसी पे ध्यान देना है तो ऑटोमेटिकली आपके आपको अभी ये भी बताएगी दादी जानकी का एग्जाम्पल ब्रदर नेवल ने शेयर किया था आप जानते हैं ब्रदर नेविल को जो जर्नलिस्ट हैं इंग्लैंड में नहीं, नहीं अच्छा नहीं। अच्छा उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया दादी जानकी के साथ ही वेरी वेल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पार्ट जो है उनका काफी वेल नोन पार्ट है ब्राह्मण फैमिली में और वो जर्नलिस्ट है बाय प्रोफेशन उनका जो पार्ट में है और बहुत बहुत क्लोज थे दादी जानकी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया उन्होंने तो उन्होंने एक बार क्लास में शेयर किया था कि वो एक बार कमरे में गए थे दादी जानकी से मिलने और दादी जान की किसी और दादी से बात कर रही थी और कोई ब्राह्मणी थी जो बहुत पुरानी थी वो छोड़ के जा रही थी या कुछ ऐसा कुछ था सीन में तो वो बड़ी परेशान थी वो बात कर रही थी दादी से बहुत परेशान होकर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया वैसे कर दिया, दिया। हम्म और ब्रदर नेवल खड़े थे और फिर दादी जैसे ही वो सीन फोन रखा एम श्योर sure उनको रियलाइज हुआ होगा एक सेकेंड में सीन चेंज एवरीथिंग चेंज सीन वही खत्म ये बहुत बड़ी पावर है ये 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 डिसेप्शन नहीं है ये पावर है आत्मा की एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो अपने एक्शन से भी परे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अच्छे में तो हम बोलते हैं बाबा ने करा बाबा ने कराया। जैसे कोई एक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से गलती हो गई सीधा मेरे से गलती हो गई हुँ? होता है ये जी। हाँ वो तो ओन करने में मास्टर हो जाते हैं वो भी मेरा नहीं मैं कौन टाइमलेस आत्मा वो सीन गया फिनिश्ड मैं कौन एब्सोल्यूट एक्शन से भी परे गुड बैड से परे बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में एंजेलिक रूप में समा जाओ मन बोलेगा पर तूने ऐसे बोला तेरे में अंदर कहा प्यार आत्मा बोलेगी मैं ही प्यार की देवी मैं तो हूं ही प्यार की देवी आत्मा ये बोलेगी हो गया एक्शन फिनिश्ड तो उन्होंने टर्न अराउंड किया और ऐसे जैसे कोई वो सीन कभी हुआ ही नहीं था नॉट कि वो कुछ प्रिटेंड कर रही है दादी जान की मैं तो प्रिटेंशन था ही नहीं कभी वो तो लीस्ट ऑफ ऑल प्रिटेंस तो था ही नहीं उस आत्मा में कभी पर ये होता है सेल्फ जजमेंट से भी परे अपने पाठ से भी परे ये है साइन अब एक होता है केयरलेसनेस से भी की जा सकती है ये बात और एक होता है एप्सल्यूटनेस से भी की जा सकती है ये बात केयरलेसनेस से की जाएगी तो वो आत्मा अंदर ही अंदर ठीक है ना मुझसे तो होता नहीं है जितना होता है करो ठीक है हो गई हो गई गलती होता रहता ही तो हमसे तो इतना ही पुरुषार्थ होता है बस वो होता है केयरलेसनेस का एटीट्यूड एक होता है एप्सल्यूट एटीट्यूड उसमें कभी कभी होगा ऐसा एक्शन पर कभी हो भी गया मन कटोचेगा मंदिर चिल्लाएगा चीखेगा अंदर गिल्ट पैदा करेगा काटेगा एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव आप उससे बिल्कुल साक्षी ये है हाईएस्ट पुरुषार्थ ये है एब्सोल्यूट पुरुषार्थ इसको हमने ना कर्मातीत के पॉइंट्स शेयर किए थे किसी के साथ बाबा ने बोला था ब्रह्मा बाबा किसी आत्मा की बुराई देखते थे तो तो भी उसके लिए शुभ भावना रख ऐसा क्यों बोला बाबा ने प्लीज एक्सप्लेन करें बिल्कुल तो हम है ना एक एक ये भी चीज है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमको ये एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं इंडिया में शायद ये एग्जाम्पल कोई सुनाता नहीं है क्योंकि हम सिर्फ पेडस्टल पे बिठाकर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो पर्सन आइडेंटिटी की होती है ना जो कि क्या बोलते हैं जो कि सीनियर्स का और दादियों का पार्ट प्ले किया है पर एक्चुअल में हमारे लिए उनका फ्लिप साइड देखना भी जरूरी है अपने पुरुषार्थ को समझने के लिए हम्म पूजा करने की आदत है ना इंडिया में कि बस अच्छी अच्छी चीजें देखो जो उन्होंने बाकी चीज बोलो मत छुप बोलना नहीं और वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई छुपाता नहीं है कुछ यहाँ पर तो हमें तो दोनों पहलू पता है यहाँ पर हम्म मैं नाम नहीं लूंगी पर मैंने किसी बहुत सीनियर सिस्टर से बात की यहाँ पर फोन किया मैंने उनको स्पेशली मैंने कहा दीदी आप बताओ मुझे ब्रह्मा बाबा का क्या रिएक्शन था जब मम, मम्मा ने शरीर छोड़ा था आत्मा ने आप मुझे वो बताओ क्योंकि आप उस वक्त थे वहां पर तो आप मुझे बताओ क्या रिएक्शन था उनका तो उन्होंने बोला ब्रह्मा बाबा के लिए इजी नहीं था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था आत्मा ने एकदम से इजी ऐसे कैसे होगा मैंने कहा हाँ, मुझे यही सुनना था <laughs> जो सत्य है वो सुनना है मुझे बड़ी बड़ी ऊपर ऊपरी मीठी मीठी बातें नहीं सुननी है मुझे सत्य रूप देखना है पुरुषार्थ होता क्या है नाम नहीं लेना चाहती मैं उनका रिकॉर्डिंग हो रही है पर कहने नहीं का, का मीनिंग है वो राइट हैंड थी ना उन्होंने इतना भी बोला वो राइट हैंड थी उनका यज्ञ में पाठ बहुत इंपॉर्टेंट था तो एकदम से इजी थोड़ा ना होगा सब जाते थे उनके पास सारी प्रॉब्लम लेकर तो अपने पाठ से साक्षी तो उनके पाठ में भी अंदर ऊपर नीचे मन में होता था मुरली में भी दिखता है ना हमें कितना अंदर ऊपर नीचे होता पर जो हम बातें सुनते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं तो हमारे को पुरुषार्थ पता नहीं चलता उनका सत्य और रियल पुरुषार्थ है अपने पार्ट के ऊपर नीचे से भी डिटैच ये है रियल पुरुषार्थ दीदी इसमें इस ये कोर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ में मैं जितना जल्दी या फिर पावरफुल होकर के स्टेट हो सकता हूं दैट इज पुरुषार्थ एक्यूरेट पुरुषार्थ और ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक अविनाशी कमाई है एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. ये ही आपकी कमाई है आपका एप्सल्यूटनेस का पुरुषार्थ दीदी। हाँ जी दीदी कल के मुरली क्लास के रिवे आ, क्लास में एक पॉइंट था कि बाबा का फरिश्ता स्वरूप जो है वो पुरुषार्थी स्वरूप नहीं है और निराकारी स्वरूप भी फिर पुरुषार्थी नहीं है तो ये ये अंडरस्टैंडिंग दीदी मतलब ये समझू मैं कि निराकार स्वरूप में कोई पुरुषार्थी नहीं है मतलब मैं पुरुषार्थ लेस आत्मा हो गया बिल्कुल वेरी गुड ये थैंक यू ये पॉइंट लाने के लिए सामने कि मैं निराकार एब्सोल्यूट आत्मा अपने पुरुषार्थी स्वरूप को देख रही हूँ हाँ तुम्हें तो आत्मा जो कि बीज रूप में अपने एंजेलिक पुरुषार्थ में हूं मतलब एंजेलिक पुरुषार्थ ब्रह्मा का पुरुषार्थ है ब्रह्मा का पुरुषार्थ था एब्सोल्यूट स्थिति में रहकर सब कुछ करना तो जो थर्टी थ्री ईयर्स उन्होंने पुरुषार्थ किया अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ इसको तो मुरली में भी दिखता है कुछ कुछ ऊपर नीचे है ना कुछ कुछ महावाक्यों में दिखता है कि ब्रह्मा का पर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि देखो वो आत्मा ऊपर नीचे शब्द में भी आई फिर भी अपने सत्य स्वरूप को नहीं छोड़ा उसने तो इसने ये सारा कुछ मुरली से ही देखकर सीखा है ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को कभी क्योंकि इसने पेडिस्टल पे नहीं बिठाया किसी को ब्रह्मा बाबा को भी पेडेस्टल पे नहीं बिठाया मुझे ब्रह्मा का रियल पुरुषार्थ में मतलब है क्योंकि मुझे उसको देख के फॉलो करना है ना जी दीदी ये थॉट आता था कि एग्जैक्टली exactly ब्रह्मा के साथ क्या हुआ वो तो कहीं पर भी लिखित में है ही नहीं वो तो वही आत्मा जानती है हाँ <laughs> इसलिए मुरली को उस नजर से पढ़ना जरूरी कि मुझे ब्रह्मा के पुरुषार्थ को देखना है मुरली में और ब्रह्मा बाबा ने कितनी बार बोला है कितनी अभी अभी लेटली मुरलियां आई थी जिसमें बाबा ने बोला मेरे सामने मेरे अंदर तूफान आते हैं ऊपर नीचे होता है सारे तूफान तो पहले मुझे आते हैं ताकि मैं अनुभवी हूं तो तुमको अनुभव बता सकूं सब दिखता है मुरली में फिर इसने किसी और एक और सीनियर से भी बोला बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं शिव बाबा तो नहीं बोलेंगे ये ये किसकी भाषा है तो उन्होंने बोला कि आई एम ग्लैड यू इट ये है रियल पुरुषार्थ उनके भी मुंह से कभी कभी निकलता था इट्स ओके इट्स फाइन इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग पुरुषार्थ है ये मैं कौन जो टच नहीं हो रही हूँ उससे तो ये एक रियल रिस्पेक्ट आता है आत्मा के लिए परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के लिए कि थैंक यू इतना सुंदर आपने मेरे लिए एक क्लियर एग्जाम्पल सेट किया है ब्रह्मा बाबा ने एकदम क्लियर इसलिए साकार मुरली का अध्ययन बहुत जरूरी है राइट दृष्टिकोण से साथ में रहम दिल एक्यूरेटली भी समझ में आ रहा है खुद के प्रति <laughs> <laughs> खुद के पाठ से साक्षी पहले आत्मा अपने एप्सोल्यूट ट्रुथ में हो भी गया मान लीजिए जितना आप अपना एप्सोल्यूट अनुभव करेंगे ये तो वैसे ही कम होना ही है पर अगर कम होते में भी वो जो चल रहा है दस से पांच दस से छह छह से पांच पांच से चार चार से पांच वापस पांच से चार फिर चार से तीन फिर तीन से चार ये भी होगा कितना आप इंडिपेंडेंट है अपने पाठ से ये है कर्मातीत अवस्था इसको बोलते हैं मैं आत्मा कर्मातीत हूं और कर्मातीत फुली बनने का पुरुषार्थ भी कर रही हूं जब माया आने ही बंद हो जाए तो कर्मातीत एब्सोल्यूट अवस्था से ये पुरुषार्थ किया जा सकता है नहीं तो तो आत्मा इज कांस्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड एंड ओल्ड संस्कार्स हाँ दीदी मैंने इसमें अपने लिए थॉट रखा कि मैं कर्मातीत हूँ मैं डेली ग्रेजुअली इमर्ज कर रहा हूँ हाँ, मैं हूँ इमर्ज करता जा रहा हूँ हाँ, माया से साक्षी होकर है ना जितना मन की दुनिया से आप आत्मा अलग रहेंगी ना ये गारंटी बोल सकती है आपको बहुत कम एक्शन में आएंगी बातें आएंगी पर हा? पर बहुत कम आएंगी और जब आ भी गई आप मक्खन से बाल निकलता है वैसे निकल जाओगी अपने आप को बस बाबा के कर्माती बबल में रखें आप हैं थी और रहेगी आत्मा कर्म थी कुछ आपके परफेक्शन को टच नहीं कर सकता जैसे ब्रह्मा के परफेक्शन को टच नहीं कर सकता इतना सुंदर कल बाबा ने बोला यही तो रमणी खेल है है ना कल बोला ना बाबा ने यही तो खेल है ब्रह्मा को परफेक्ट को नीचे ले आओगे तो फिर क्या ये तो हंसी की बात हो जाएगी <laughs> उनका परफेक्ट फॉर्म टच नहीं हो सकता तो हम सबका परफेक्ट फॉर्म टच नहीं हो सकता आपको उस परफेक्ट फॉर्म की कितनी स्मृति ये दीदी जो आप बाबा के बबल में बोल रहे हो कि दोनों का द्वंद देख रही आत्मा और वो खुद बाबा के बबल में तो उसमें वो बाबा से बात करती है या सिर्फ मतलब वो उसका क्या मतलब बोलते हो आप मतलब बाबा के बबल में रहने का बाबा के बबल में मतलब साइलेंट वर्डलेस थॉटलेस आत्मा है ना अब उस बबल में बाबा भले ही कुछ दे दे उसको वो अलग बात है बाबा से टच हो सकती वो और किसी चीज से टच नहीं हो सकती उस बबल में एक वन वे ओपन गेट है ओनली बाबा कैन टच सो माइंड टच नहीं कर सकता है ना जैसे हमने ये अभी देखा था ना ये बबल में यहां पर माइंड सब कुछ चल रहा है पर ये एक तरफा ही है ये इस तरफ वापस टच नहीं कर सकता किसी भी आत्मा को उसके परफेक्शन के बबल से पता है इससे ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है जब मैं आत्मा अपने एक्शन थॉट वर्ड माइंड के एक्शन थॉट वर्ड से साक्षी हो जाती हूँ ना मैं किसी और के भी एक्शन को इमीडिएटली जज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अपने ही एक्शन को जज नहीं कर रही तो मैं दूसरे के एक्शन को क्या जज करूंगी तो बाबा के बाबल में बाबा मुझे थॉट दे सकता है पर वो थॉट अप्लाइज टू ऑल द सोल्स वो थॉट मुझे शांत करने के लिए नहीं दे रहा है वो थॉट मेरी शांति को बढ़ा नहीं रहा है घटा नहीं रहा है वो बस मेरा ट्रुथ है मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो थॉट बस वन वे थॉट मतलब बाबा से बात नहीं करने लग जाती आत्मा भले ही करे आत्मा कॉन्वर्सेशन कर सकती है मलयुद्ध देखते देखते अपने कंपेनियन से बात कर सकते हो आप बाबा से बाबा से बात कर सकती है पर उसमें बिल्कुल भी वो फीलिंग से आइडेंटिटी नहीं होगी जो ये जो ध्वंद चल रहा है पूरा ध्वंद है मलयुद्ध चल रहा है यहाँ पे पर इस मलयुद्ध से जीरो आइडेंटिटी है आत्मा की तो रियल संगम युग का पुरुषार्थ एप्सल्यूटनेस का है जिसमें absolute आत्मा, परमात्मा से बात कर सकती है युग का सबसे बड़ा प्रिविलेज है है ना? यही तो प्रिविलेज है कि आपके पास अभी आप बाबा से बात कर सकते हैं पर उसमें इसको ठीक करने की बिल्कुल जीरो इच्छा इसको खत्म करने की जीरो इच्छा टू गेट रिड ऑफ इट जीरो इच्छा ये तो मेरे लिए जैसे एक पेपर टाइगर का खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसको इसको फिनिश बीमारी को ठीक करने की थॉट से थॉट को रिप्लेस करने की कोई इच्छा नहीं मैं बाबा के साथ अपने कंपेनियन का कंपेनियन के साथ इंटरेस्ट है युद्ध चल रहा है बाबा ध्यान रख रहा है उसका मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पर कभी कभी टीवी एकदम पास में आ जाता है हा आता है कभी कभी एकदम चिपक जाता है जैसे ऐसे लगता है टीवी मन का टीवी एकदम पास लगता है तो दो दो? बाबा एंड आई बस कुछ फंसना नहीं है उसमें कुछ डर भी नहीं है उसका शब्द बाबा आपको देगा बाबा एंड आई बच्ची मेरी तरफ देख बस तुझे टीवी बंद करने की भी जरूरत नहीं है बच्ची मेरी तरफ देख ये मन का टीवी बंद करने की भी जरूरत नहीं है बच्ची मेरी तरफ देख बस हाँ जी दीदी अभी आपने कहा ना कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप है बाबा के साथ तो क्वेश्चन में आया है ये कि मतलब क्या हम सबका स्वरूप है तो थोड़ा उसको क्लियर कर देखिए ना बाबा समान संपूर्ण स्वरूप क्या है आत्मा का पॉइंट ऑफ लाइट विद नो पार्ट नो स्टोरी नो टाइम नो चेंज ये हर आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है उसमें मैं अपने एंजेलिक संस्कारों को यूज करती हूं और एंजेलिक संस्कार मतलब ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के संस्कार और उनका पुरुषार्थ क्या था एब्सोल्यूट स्वरूप में रहकर माया मन के मलयुद्ध को साक्षी होके देखना लंबे काल का डिटेच ऑब्जर्वर का पुरुषार्थ कल हमने एक मुरली पढ़ी थी ना जिसमें ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया गया था वाणी हाँ जिसमें एक आत्मा जो चौदह अप्रैल ट्वेंटी वन की वो मुरली है पीयू वाणी बोलते हैं उसको हमने इंग्लिश क्लास में पढ़ी थी वो तो उसमें एक चौदह साल की शरीर की आत्मा का जो पार्ट था ना उसकी बॉडी को यूज किया गया था ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए है ना तो उसमें जब वो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया था ना उसमें तो उस आत्मा ने बाबा ने उसके मुख से ये ही बोला लंबे काल का साक्षी दृष्टा का अभ्यास जरूरी है लंबे काल का साक्षी दृष्टा का अभ्यास जरूरी है ये था ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ। पुरुषार्थी ऑम शांति दीदी दीदी वो तो कल जैसे आपने तीन चार बातें की थिंक पर और फीलर और फिर एक्सपीरियंसर और डूअर डोरशिप में तो बड़ा बड़ा डोरशिप तो दिखता है कि मैं नहीं कर रही आ जाता है मतलब पहले हो जाता है लेकिन ये छोटी छोटी जो बातों में ना कब डोरशिप चलती रहती है अंदर ही पता लग, तो ही नहीं लगता कितनी देर बाद पता लगता है कितनी देर तो पता ही नहीं लगता तो ये चीज क्या है कि हाँ जी ये जो डुअरशिप है ना ये है सेंस ऑफ आई दैट इज मूविंग द बॉडी दैट इज यूजिंग सेंस ऑफ आई जो कि बॉडी को यूज कर रहा है जो कि बॉडी को चला रहा है मुख से बोल रहा है एक्शंस में आ रहा है सेंस ऑफ़ में ही ये आ जाता है कि अच्छे एक्शन को तो हम ओन कर लेते हैं या बाबा को देने की कोशिश करते हैं जैसे ही एक्शन ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाता है साधारण में अच्छा बुरा डेली के वर्क में वो चलता ही रहते कि ये इसके बाद ये कर लूंगी अच्छा ऐसे कर दिया वैसे मतलब ये ऑटोमेटिकली चलता से साफ़ तो से पता क्या नहीं अंदर पता नहीं अंदर लगता कि चल रहे है, के. पता चल रहे हैं ना जैसे आत्मा मूवमेंट से बहुत आइडेंटिटी बना रही है हुँ. संकल्पों से आइडेंटिटी बना रही शरीर मूव हो रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं मूवमेंट में आ गई हूँ माइंड मूव हो रहा है संकल्पों में तो उसको लग रहा है कि मैं वो मूविंग चेंजिंग बींग हूं जो कि माइंड बता रहा है मुझे इसलिए आत्मा को लग रहा है कि मैं वो चेंजिंग थॉट्स हूँ आत्मा चेंजलेस है और चेंजफुल थॉट्स को देख रही है चेंजफुल बॉडी के मूवमेंट्स को भी देख रही है सेंसेशंस को भी देख रही है पर उससे बिल्कुल साक्षी है तो साक्षी मतलब ये नहीं कि बाहर के ड्रामा से कोई साक्षी होना है वो तो ऑलरेडी हो जाते हैं हम नेचुरली जब आत्मा अंदर माइंड से साक्षी है तो तो ना माइंड के संकल्प का मूवमेंट में हूँ ना माइंड के संकल्प का चेंज में हूँ ना बॉडी के जो चेंजिंग मूवमेंट्स हैं अभी भी देखो ना मेरी बॉडी कितनी हिल रही है पर मैं आत्मा स्टिल हूं है ना मैं आत्मा स्टिल हूं चाहे बॉडी कितनी भी मूव हो रही है कितनी फास्ट कितनी स्लो मैं स्टिल माइंड कुछ भी सोच रहा है चेंज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आत्मा या तो चेंज से माइंड के थॉट्स से अपनी पहचान बना रही है बात, माइंड में थॉट्स चेंज हो रहे हैं सो व्हाट आप थोड़े ना माइंड है वो है आप वो माइंड आप नहीं है तो थॉट से क्यों परेशान हो रहा है कौन परेशान हो रहा है एक्सपीरियंसर अपने को एक्सपीरियंस समझ रहा है थॉट का फिर वो थॉट थॉट से ही परेशान हो रहा है तभी तो हमने ये कल, कल, कल किया था ना क्योंकि किसी ना किसी लेवल में फंसी हुई है यहाँ पर आत्मा आप अपने आप को एक्सपीरियंसर समझ रहे हैं संकल्पों का तो संकल्प चेंज हो रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही किसको आपको माया मन को थॉट को थॉट से परेशानी हो रही है प्रोमिला आइडेंटिटी जो है वो एक एक्सपीरियंसर की आइडेंटिटी है उसको अच्छे नहीं लग रहे कि ये थॉट्स क्यों बार बार आ रहे हैं क्यों चेंज हो रहे हैं ये कब जाएंगे ये क्या मैं ऐसे ही करती रहूंगी क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा ये सब किसकी भाषा है किसकी भाषा है ये माया मन की है। माया माइंड की भाषा है आत्मा साइलेंटली पूरे युद्ध को देख सकती है ये लेवल एक लेवल पे युद्ध नहीं हो रहा है ये युद्ध हो रहा है मल्टी लेवल युद्ध मलयुद्ध में दो खिलाड़ी नहीं है मलयुद्ध में कई खिलाड़ी हैं हजारों खिलाड़ी है मलयुद्ध में आप बिल्कुल साइलेंट और स्टिल प्रेजेंस हैं मतलब बिल्कुल अपने आप को माइंड से ही अलग चाहे कुछ भी बोल दे आप बिल्कुल साक्षी वो आप है साइलेंट प्रेजेंस थॉट से आपका कोई लेना देना ही नहीं भले कुछ भी चल रहे हैं। कौन परेशान हो रहा है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एक्सपीरियंस परेशान हो रहा है क्लियर हुआ hmm. तो बिल्कुल साक्षी मतलब बिल्कुल साक्षी कोई भी संकल्प आ जाए आपका क्या लेना देना उससे वो स्क्रिप्ट बोल रही है किसी की टेप रिकॉर्डर में कसेट फास्ट बोलती किसी की टेप रिकॉर्डर में कसेट स्लो बोल रही कसेट ही तो है आपको क्या लेना देना निकाल के दे दो ना बाबा हम्म कुछ भी बोले आपको क्या लेना देना आप थोड़े ना है वो आप तो साइलेंट हैं आप तो बाबा के एंजेलिक बींग हैं आप तो परफेक्ट एप्सल्यूट स्टार हैं बाबा के दिल के नैनों के नूर हैं नहीं। नहीं। वो उस स्थिति से देखें फिर तो अपने आप ही चले जाते हैं हटाने की भी जरूरत नहीं कल ये इंग्लिश क्लास में यही शेयर कर रही थी कि कल इसका माइंड बड़ा रेनोगेट जैसे था बार बार बैटलिंग में बैटलिंग फील्ड में ही जाना था उसको बार बार ठीक है करता रहेगा उसकी आदत है बोलता रहेगा ईगो माइंड का तो नेचर ही यही है मैं और बाबा साथ में है बस मैं बाबा की तरफ बार बार फिर वो मेरा अटेंशन पुल करने की कोशिश कर रहा है फिर मैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है एकदम एफर्टलेसली मेरा अटेंशन मैं तो वही हूं ना मैं अटेंशन इस पे शाइन करूं कि उस पे शाइन करूं मेरे हाथ में है मैं तो वही हूं ना ये तो चेंज नहीं हो रही ना ये आत्मा तो चेंज नहीं हो रही ना ये भी भले ही था पहले जब मेरा अटेंशन इस पे था तब भी, भी मैं तो आत्मा वही थी ना ये एब्सल्यूट नेचर है और ये अटेंशन है तो आप अपने आप को अटेंशन समझ रहे हैं जबकि आप आत्मा है जिसके अंदर से अटेंशन बाहर आ रहा है आप अटेंशन नहीं है अटेंशन आपका पावर है आप तो आत्मा है और आपका अटेंशन पूरा इसमें है अभी किसमें है माइंड में चला गया मतलब। तो बाबा में है।, <laughs> <laughs> आ, इसका अटेंशन है पर मैं तो आत्मा हूँ ना जिसका अटेंशन माइंड में है मैं कौन जिसका अटेंशन माइंड में है, मैं में है? मैं जिसके अंदर ये माइंड है मैं कौन बार बार मैं कौन पे आना है मैं थोड़े ना बदली हूं चाहे माइंड कितनी भी बातें बोल रहा हूँ फीलर थिंकर डूअर जजर सब कुछ कर रहा है मैं थोड़े ना हूं मैं तो आत्मा मैं मेरा अटेंशन सिर्फ लाइट यहां से घुमाकर वहां बस ये फर्क है यहाँ घुमाया बाबा की तरफ माइंड से हटा के बाबा की तरफ अब बाबा के साथ देख रही हूं दोनों लेवल पे देख रही हूँ माइंड लेवल भी देख रही हूँ फिजिकल वर्ल्ड लेवल भी देख रही हूँ बाबा के साथ सब कुछ त्रिलोकीनाथ और त्रिकाल दर्शी दोनों बाबा के साथ दीदी दी, इसका मतलब ये है कि जैसे अपने आप ही अपने बात कई बार पता नहीं लगता मैं इसको ये काम कह दूंगी मैं से कर दूंगी मैं ये बिल्कुल नॉर्मली नहीं है फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती बस नॉर्मली बोल सकते माइंड बोल रहा है आप नहीं है माइंड बोल रहा है कोई फीलिंग भी नहीं होती बस पता है लगता पांच मिनट दो मिनट चलते रहते में ऐसे हाँ ये बस माइंड बोल रहा है आप नहीं बोल रहे आप तो बाबा की तरफ देखें वो बोलता रहेगा बाबा के साथ देखेंगे सत्य में चुप हो जाए। जब होना होगा तब आपकी आपकी, आपकी आ, आ, कोशिश नहीं करना उसको चुप करने वो अपने आप चुप हो जाएगा आप बाबा की तरफ आत्मा अपना टेंशन रखे बस ठीक है हम्म रश्मि ओम शांति ओम शांति यस सो अ द क्वेश्चन दैट आई हैव लाइक अ जब हम ये बोलते हैं ना कि हाउ डू हाउ डू आई पुट इट जब हम ये बोलते हैं ना कि अच्छा बाबा ने मुझे ये बोला बाबा ने मुझे वो बोला सो so, जैसे इसके साथ भी होता है बहुत बार कि क्वेश्चन उठता है कि ये बाबा बोल रहा है कि ये मन बोल रहा है आ, बाबा ने मुझे ये टचिंग दिया वो टचिंग दिया सो so, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है मन में कि मन का ही खेल हो रहा है ये ये मन बोल रहा है या बाबा बाबा की टचिंग है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बाबा से आ रहा है ये हमारा या स्पिरिचुअल ईगो जो इतना मुरली में वो उसको मुरली इतनी अच्छे से घुस गई है अंदर तो वहां से वो पॉइंट्स निकल निकल के वो ही वो ही बोल रहा है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है हाँ, कल हमने शायद का जवाब दिया था आप पता नहीं क्लास में थे कि नहीं थे बट इट्स ओके एसेंस में ये कि आत्मा जब बाबा के साथ बाबा से टचिंग लेती है तो वो उसमें बिल्कुल भी माया मन को उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में उसके अगेंस्ट कोई भी क्लिंगिंग रेजिस्टिंग कुछ भी नहीं है कोई संकल्प को चेंज करने की वृत्ति नहीं है कोई संकल्प को हटाने की मिटाने की उसको खत्म करने की वृत्ति नहीं है है ना उसको उसका वो सत्य ही नहीं लग रहा है मैं किसी चीज को तब हटाऊंगी जब मुझे को वो कुछ अपनी लग रही होगी राइट अब जैसे सड़क पे चलते कई स्ट्रेंजर्स चलते मैं उनको बोलती हूँ तुम यहाँ से हटो यहाँ से जाओ बोलती हूँ मैं उनको क्यों no. वो अपने रास्ते मेरा उससे कोई लेना देना नहीं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं वो अपने रास्ते जा रहा है मैं अपने रास्ते पर अगर वो मुझे अपना लगेगा कोई मेरा बच्चा लगेगा कोई मान लीजिए कोई बच्चे का पार्ट लेकर वो मेरा लग रहा है तब मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगी उसको मोड़ तोड़ करने की कोशिश करूंगी राइट? Hmm. तो अगर मैं आत्मा मन को ठीक करने के लिए उसको फिक्स करने की वृत्ति से बोल रही हूँ कि हाँ बाबा ने मुझे वो टचिंग दी तब तो इस संकल्प को मैं इस संकल्प के ऊपर लगाऊ तो वो सब माया मन कर नो

उसमें पर्सन आइडेंटिटी का कोई स्वार्थ नहीं है उसमें हो सकता पर्सन आइडेंटिटी का नुकसान भी हो जाए है है ना उसमें I इसका नुकसान भी हो सकता I don't know, वहाँ पे आई about वेस्टर्न में कैसा होता पर इंडिया में ये हमारा बहुत एक कॉमन जैसे ये आम भाषा हो गई है बाबा ने मुझे ये बोला बाबा ने मुझे ये बोला बाबा ने मुझे ये टच किया मतलब ये आम भाषा हो गई है लाइक इट्स लाइक लूजली हम बहुत बोल देते हैं हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे मन से आ रहा है या कि ये सच में बाबा की टचिंग है तो वो हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करें बहुत लूजली हम ये बहुत बहुत बार लाइक like, यहाँ जो नॉर्मली हम यहाँ पे जो बीके से लूजली बोल देते बाबा की ये टचिंग आ गई बाबा की वो टचिंग आ गई हमें नहीं पता तो ये तो पर हमें इतना पता है खुद के लिए कि मैं आत्मा जब बाबा से रियल टचिंग आती है तो उसमें एक तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वो जो संकल्प है वो सर्व आत्माओं के लिए सत्य है वो इटरली सत्य है वो संकल्प सिर्फ इस टाइम के लिए सत्य नहीं है वो इटर्नली सत्य भी है।, है ना और वो संकल्प में बिल्कुल स्वार्थ नहीं होगा और बिल्कुल भय नहीं होगा और वो सबको अप्लाई होगा अब उसमें हो सकता है रीनी बिल्कुल खराब लगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें रीनी का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा पर फिर भी वो सत्य तो सत्य ही लगेगा वो है टचिंग सेल्फिशनेस नहीं होगी, जीरो सेल्फिशनेस उसके अंदर रीनी को प्रोटेक्ट करने का भाव नहीं होगा उन संकल्पों में रीनी को अच्छा लगाने का भाव नहीं होगा उन संकल्पों में क्लियर हो रहे हैं uh...

थिंक कि ये सबके लिए ट्रू होगा हाँ। सभी आत्माओं के लिए इसमें भला hmm. ही hmm. hmm. इस hmm. होगा तो इंडिविजुअल लेवल क्या होता है व्हाट इज इंडिविजुअल आफ्टर कमिंग टू बाबाज ज्ञान इंडिविजुअल बिकॉज मेरी सिचुएशन तो मेरी मतलब जो ये पार्ट ऑलरेडी so, मेरी स्मृति ही ठीक से आई है और उसको मैं फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ या जो भी वट एंड देन आई एम थिंकिंग मेरी स्मृति ही स्टार्टेड ही ठीक ठीक नहीं है। आ रही है, पर हमेशा yeah. okay. होगा, बेहद का होगा सोल्यूशन सिचुएशन इंडिविजुअल थी ना इसलिए आपके सामने वो अनुभव भी शेयर किया ना अभी और ऐसी कई सिचुएशन आती है जो पार्ट के अनुसार चाहे परिवार में हो चाहे पार्ट के

क्या मैं उससे क्योंकि जो बोल रहा है कि मुझे बाबा की टचिंग हो सकता कि ये बाबा की है, या या है ये मुरली की जो अंदर घुसी हुई है इतनी पड़ी है वो माया मन में वो ही बोल रहा है तो 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 मैं अपने लिए चेक कर सकती दूसरों के लिए नहीं अपने लिए चेकिंग का एक ही तरीका है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा है ना दूसरों का अगर दूसरों की बातों को सुनकर मेरा मन उनको जज करेगी पता नहीं है तो ऐसे ही बोल रहे हैं तो माया मन बोल रहा होगा वो तो मेरे जजमेंट चल रहा है तो मुझे अपनी चेकिंग चेकिंग पर करनी है वो एक्चुअली इसलिए भी हो रही है बिकॉज आई एम नॉट जजिंग देयर पार्ट आई एम नॉट जजिंग ये डिफरेंशिएट कैसे हो ये इसी ये से ड्रिफरेंट हाँ एक ही ना एक तरीका वो थॉट मेरी ना खुशी में ऐड कर पाएगा ना सब्रैक्ट कर पाएगा okay. बाबा का थॉट मेरी खुशी जो कांस्टेंट है उसकी तरफ पॉइंट कर सकता है ऐड नहीं करेगा मेरी खुशी में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा आत्मा की खुशी से कुछ मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट करेगा mm -hmm. अगर माया मन का है तो मैं थोड़ी खुश हो जाऊंगी संकल्प से फिर वही संकल्प मेरी खुशी कुछ और आएगा तो वो खुशी को गायब भी कर देगा तो फिर वो माया मन है पर आत्मा में ना कुछ ऐड किया जा सकता है ना कुछ सब्ट्रेक्ट किया जा सकता है आत्मा से क्लियर हुआ या, या। तो इसको पता चलेगा ये बाबा का संकल्प था या माया मन ने ज्ञान का पॉइंट देके थोड़ा खुशी में ऐड कर दिया या खुशी को स्टेबल करने के लिए कर दिया खुद खुद की हलचल को स्टेबल करने के लिए उसने आ, खुद नहीं मन की हलचल को स्टेबलाइज करने के लिए पॉइंट खुद और मन में फर्क है दिन रात का है ना खुद मन के रेफरेंस से खुद बोलता है हाँ अब हम समझ रहे मन नहीं है हमें जस्टिफाई नहीं करना है पर मन मन है आत्मा आत्मा है दोनों को मिक्स नहीं करना है है ना तो जो मन है वो जो भी थॉट क्रिएट करेगा ज्ञान का पॉइंट ऐड करने के लिए खुशी को या शांति को पाने के लिए बहुत अशांत मुझे शांत होना है स्टेबलाइज कर। करने के लिए तो ये मन ही मन के साथ काम कर रहा है क्लियर हुआ yeah. तो ये साथ बाबा देगा तो वो तो मुझे सिर्फ साक्षी होके दिखाएगा ये मन में ये चल रहा है पर तुम्हारा तो ऑलरेडी है ही है स्वरूपी कांस्टेंट कॉन्स्टेंट और निरंतर है है ना तो निरंतर स्थिति में बैठकर मैं आत्मा बाबा के साथ अपने टाइमलेस स्थिति में मेरे तरफ सर्व आत्माओं के प्रति सिर्फ प्यार ही हो सकता है मेरी तरफ सर्व आत्माओं का मेरे लिए सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए और मेरा भी दूसरी आत्माओं के प्रति सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार हो सकता है है ना सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार हो सकता है ये गारंटी होती है आत्मा को सीन की अब उसमें कुछ ऐड हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं। नहीं। तो एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम कौन कर रहा है इससे पता चल जाएगा वो बाबा की टचिंग थी आपके एप्सल्यूट सत्य में बिठाकर एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करते हुए मन को दिखा रहा है या वो आपका सत्य था जो कि बिल्कुल उन दोनों से परे और साक्षी होकर देख सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का मन काम कर रहा है उसको भी यहां से मैं देख सकती हूँ बाबा के साथ मैं ठाइनी सी पॉइंट बाबा के साथ देख रही हूं ये संकल्प बोल रहा है ज्ञान का भरा हुआ जो मुरली का पॉइंट है वो निकल के बाहर उसमें कुछ खराब नहीं है एक्चुअल में दैट इज इन सम वे हेल्पिंग सम इट्स नॉट रॉन्ग इट्स आल्सो हेल्पफुल मन को किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना तो कुछ तो चुप कर रहा है ना mm. तो करने दो पर बस आप उससे साक्षी रहो दैट्स ऑल अभी क्लियर हुआ थैंक्स थैंक्स

इतना ध्यान से आप लोग एकदम साक्षी होके पेशेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं सो थैंक यू उसके लिए और uh, आप प्लीज पुट योर क्वेस् इन द ग्रुप इट विल बी वेरी हेल्पफुल बस एक चीज ध्यान रखेंगे बाबा से जो भी आएगा वो पॉइंटर है जो आप में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बस वो आपके एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है बाबा का संकल्प और वहां से मैं सब कुछ साक्षी होकर डुअलिटी देख सकती हूँ माइंड की ये है बाबा से टचिंग ओम शांति